सारे दोस्तां बजुर्गां ते मेहरबानां नूं जी एस स्टूडियो दी तरफों नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है। ते अज असीं दास्तान पेश कर रहे हां राजकुमारी दे अजीब सवाल। कई सौ साल पुरानी गल है, एक बादशाह जिदा इको एक पुत्र सी। बादशाह दे लाड़ प्यार ने उन्हूं जिद्दी बना दिता सी। वो जिद करके बादशाह कोलों हर शह मनवा लैंदा सी। एक दिन शहजादा शिकार करन लई जा रहा सी। उहदा गुजर एक धोबियां दी बस्ती विचों होया। उहदी अचानक नज़र एक मकान दी छत ते पई जिथे धोबी दी बेटी खलोती वाल सुका रही सी। वो इन्नी खूबसूरत सी भई शहजादा दूसरा पैर भी ना पुट सकिया। उत्थे खड़ा वेखदा रह गया। जदों धोबी दी बेटी दी नज़र शहजादे ते पई ते उह छेती नाल परदा करके छत तों उतर गई। शहजादा अपने दिल विच सोचदा है, वो की सोचदा है, साधक पट्टी पेश करदा है। लाला जी रिकॉर्ड करते ने ते दास्तान लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। ते इस दास्तान की फरमाइश करते ने पिंड रसूलपुर जट्टां तो राजा मुहम्मद अफजल। एक बादशाह दा पुत लाडला सी, नाल जिंद दे गल ओ मनान वाला नेसी सुन दा गल ओ दूसरे दी, बस अपनी गल ओ सुनान वाला। नशे बिच जवानी दे ओ चूल दा सी, ओते बिच गुरूर दे रहन वाला। हर वेले बिच मस्तियां दे, निसी टेक के एक थां बैन वाला। गया जंगला बिच ओ शिकार खेडन है शिकार खेडन, बड़ा मारो तीर चलान वाला। मारे तीर ओ कैर दे जिस वेले, नसे जांदे ओ हर नानू डान वाला। एक बस्ती दे विच्चों गुजर होया, जदों मुड़िया मैला नू जंगला चों। ओसी बस्ती धोबियां गरीबड़ां दी, जदों लंघिया कपड़िया रंगला चों। ओदी नजर पई एक छत उत्ते, जिथे लड़की वाल सुकाम दी सी। कुड़ी धोबियां दी निसी लग दी ओ, जिथे शहजादी नजर आम दी सी। ओनू वेख के टुरिया ना एक कदम, ओते वेख के उसनू हैरान खड़ा। कुड़ी धोबियां दी नहीं हो सकती, ओनू वेख के बड़ा परेशान खड़ा। जदों नजर पई उस लड़की दी, छेती नाल परदा करन लगी। जिवें वेख के शेर नू बिच जंगल, एक हरनी उस तों डरन लगी। छेती नाल भज के जा लुकी, बिच अपने कंबरे नाल गोली। इवें वेखदा अखियां पाड़ के ओ, बड़े गुस्से दे नाल सी ओ बोली। जदों कमरे विच चली गई ते शहजादा अपने महलां विच आ गया। आके बादशाह नूं कहण लगा, मैं ते धोबियां दी लड़की नाल शादी करनी है। ये गल सुन के बादशाह बड़े गुस्से विच आ गया ते कहण लगा, हुण धोबण साडे महलां दी राणी बनेगी, ये नहीं हो सकता। जदों शहजादे ने जिद कीती ते बादशाह ने वजीरां नूं बुला के मशवरा कीता ते वजीरां ने आख्या, बादशाह शहजादा जिद्दी है, कोई गलत फैसला ना कर लै, फिलहाल ओदी गल मन ली जाए। वक्त गुजरेगा, शहजादे दा दिल भर जाएगा ते तुसी किसे शहजादी नाले दा व्याह कर देना। उंज वी ते बादशाहां दे बच्चे कई शादियां कर लैंदे ने। खैर बादशाह मन गया, पर उहने शहजादे नूं आख्या, साडी इक शर्त है, असीं तेरे व्याह विच शामिल नहीं होवांगे ते ना ही तेरी जंजशाही शान शौकत नाल जावेगी। अन्ना की चावे दो अखियां,
शहजादा इस गल ते राजी हो के एक पैगाम धोबिया के घर भेजता है। वो किड़ा पैगाम भेजता है, सादिक पट्टी पेश करता है। जदों मन्ने आ बादशाह शादी दे लई, शादी दे लई है, शादी दे लई, बड़ा राजकुमार सी खुश होया। कहिंदा कासद नू ले जा खत मेरा, जा धोबियां दे तू करो होया। विच लिखदा धोबिया गल मन्नी, मैनू धी दा रिश्ता जे देवे। रवे मलका बन के बिच मैला, ये हाथ मेरे हाथ दे देवे। जे मन्नी ना गल सिर ला देसा, सारे टब्बर नू जेल करा देवा। सारे धोबिया नू करा कैद आके, सारा पूर दा पूर टुपा देवा। खत पढ़ के धोबी परेशान होया, शान होया है, शान होया, आके मिलियो अर्ज गुजार दाए। पुछा ती दे कोलों पहला गल जाके, ओते महिला दे बेच पुकार दाए। लगा कैन शहजादा जा पुछ वेकी, आदि नहीं सुनन नकार दा मैं। उनु आकी तू मैला बेच वसी, बस सोच दा इयो विचार दा मैं। तो भी जाके दसिया हाल सारा, ये असी बड़े मजबूर होए। किवें करिए असी नकारे ते, बिच दुखां दे आन असी चूर होए। जदों धोबी ने आण के धी नूं दस्या भई उहदा साक राजकुमार ने मंगिया है, ते उह कहिंदा है जे असी उहनूं इनकार कीता ते उह साडे सारे खानदान नूं कैद कर लवेगा, ते हुण दस तेरा की ख्याल है। लड़की कहण लगी, अब्बा मेरियां चार शर्तां ने, जे शहजादा मन लवे मैं उहदे नाल शादी करन लई तैयार हाँ। उह शहजादे दे नाम एक खत लिखदी है ते कहिंदी है, मेरे कोल आ के मेरे चार सवालां दा जवाब दे ते फिर मैं तेरे नाल शादी कर लवांगी। शहजादा खत पढ़ के गुस्से विच आ गया, फिर कहण लगा चलो जाके वेखने आ वो किड़े सवाल कर दिए। शहजादा जाता है ते लड़की उन्हूं की कहती है, सादिक पट्टी पेश करता है। जाके पुछदा दस हां सवाल केड़ा, मैं सारियां शर्तां मन लवां। ये तू फेर भी करे इनकार लड़की, सारे टब्बर तेरे नू मैं बन लवां। इत्थे लड़की बोल सवाल कीते, मेरी पहली शर्त भी सुन लवी। करे व्याह तुझे कर नाल मेरे, मेरे जिस्म दे कोलों तू दूर रवी। ये सवाल सुन के शहजादा परेशान हो गया ते कहिंदा है ये किहो जिहा सवाल है। कहिंदा है चलो शादी हो लवे फिर वेख लवांगे। कहिंदा ए की कीता सवाल कुड़िए, चलो शर्त तेरी मैं मन लैना। कहिंदी करी ना गल तू नाल मेरे, मेरी मर्जी होई ते मैं कर लैसा। तीजी शर्त मेरी नहीं रात रहना, दिन रवांगी तेरे बिच मैला। कहिंदा छड तू गल्ला कर शादी छेती, असी ये भी जुल्म सह लांगे। चौथी शर्त नहीं तेरे घरों खाना,
ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਰਵੇਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਰਵੇਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਲੜਕੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਲ ਪਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਬੱਗੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਕੇ ਘਰ ਘੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ GS ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਬੇ ਅੱਲਾ ਬੇ ਅੱਲਾ ਬੇ